अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो केक से रिलेटेड नहीं है, हम बेक हाउस गए थे उससे रिलेटेड है। तो जी, यहाँ हम बेक हाउस में एंटर हुए थे, यहाँ पर स्प्रिंकल्स थे, चॉकलेट्स थी और बहुत ही वैरायटी थी हर चीज़ में। आपको जो भी चीज़ चाहिए उसमें 4-5 किस्म की वैरायटी आपको इजीली अवेलेबल होती है। आपको अगर मिल्क चॉकलेट चाहिए तो मिल्क चॉकलेट आपको यहाँ से मिल जाएगी, वाइट चॉकलेट चाहिए तो वाइट चॉकलेट डार्क में भी इनके पास 2 से 3 वैरायटी हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी टूल्स के सेक्शन में, यहाँ पर टूल्स में मैंने फोंडेंट के टूल्स लेने थे, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि कौन कौन से टूल्स हैं। तो मैंने एक टूल्स उठा लिए थे और फिर हमने लेने थे मोल्ड्स। यहाँ पर सिलिकॉन के मोल्ड्स थे, बहुत ही रिजनेबल प्राइस थी, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए कि हमने कौन कौन से मोल्ड लेने हैं। हमने 6 से 7 मोल्ड्स लिए थे। यहाँ मैंने इतने मोल्ड्स इसलिए लिए थे क्योंकि मैंने न्यू बिज़नेस भी साथ साथ स्टार्ट किया है, केक के बिज़नेस के साथ अब मैं सेल करती हूँ चॉकलेट्स भी, तो चॉकलेट के लिए मुझे मोल्ड्स की ज़रूरत थी, तो इसलिए हम मोल्ड्स ही लेने आए थे स्पेशली यहाँ पर। ये मेरे हस्बैंड एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है और मुझे भी दिखा रहे थे साथ साथ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर हर तरह की वैरायटी थी। मैं पहले भी बेक हाउस आ चुकी हूँ और मैं आती जाती रहती हूँ, तो यहाँ पर इस बार मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना ली जाए। और अगर आप लोग को इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं इसकी वीडियो डिटेल में लेके आऊँगी हर एक सेक्शन की। देन इसके बाद हम यहाँ पर आए थे टूल्स देखने के लिए। यहाँ पर हर तरह के टूल्स अवेलेबल थे, आपको जो भी टूल्स चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। फोंडेंट कलर में अवेलेबल है और वाइट भी अवेलेबल है जी। तो यहाँ पर नोजल्स हम देख सकते हैं कि हर वैरायटी की नोजल्स के आपको जो भी नोजल्स चाहिए यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगी। मैंने नोजल्स नहीं लेनी थी बेसिकली, मैं सिर्फ मोल्ड्स लेने आई थी, तो मैं मोल्ड्स पे ही ज़्यादा फोकस कर रही थी कि मुझे किस तरह के मोल्ड्स चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्पैचुला देखा तो मुझे याद आया कि मुझे एक स्पैचुला की भी ज़रूरत है, तो मैंने ये बाय कर लिया था। ये जस्ट 250 रुपीज़ का था 8 इंच में। तो ये बाय करने के बाद हमने क्या किया था, हमने बस बिल बनवाया था। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने अनपैकिंग की, यहाँ पर मैंने चॉकलेट्स ली। चॉकलेट्स मैंने जो अब सेल करनी है उसके लिए, इसलिए मैंने 2-2 kg या 1-1 kg के भी पैक ले लिए थे। यहाँ पर मैंने मिल्की स्पूट की चॉकलेट ली थी, डार्क और मिल्की। देन उसके बाद मैंने ट्राई करनी थी नाइस की चॉकलेट, लेकिन मुझे नाइस की चॉकलेट ट्राई करने के बाद कुछ खास नहीं लगी, यानी मुझे ही पसंद नहीं आई, तो फिर इस वजह से मैंने आगे सेल नहीं की, मैंने मिल्की स्पूट की ही चॉकलेट को सेल किया। ना उसके बाद यहाँ पर कोको पाउडर जो लिया था वो था 1000 का। ये मैंने टूल्स बाय किए थे फोंडेंट के, और यहाँ पर एक के बॉल बाय की थी जिसका मुझे अभी यूज़ नहीं पता। ये मैंने बाय की थी अपना स्पैचुला, और जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि हमने काफ़ी सारे मोल्ड्स लिए थे, तो यहाँ पर मैं मोल्ड्स निकाल रही हूँ। और ये एक बॉटल ली थी मिल्क बॉटल, लेकिन मुझे ये भी पसंद नहीं आई क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मिल्क हमारे केक पर लग जाता है, और मेरे कस्टमर्स ने कंप्लेन की है कि अब मेरा केक बहुत ज़्यादा सोगी होने लगा है, 2 से 3 कस्टमर्स ने कहा, तो इसलिए मैंने ये यूज़ करना छोड़ दिया जी। तो इसके बाद मैंने क्या किया था, सिर्फ मोल्ड्स की अनपैकिंग करके आप सबको दिखाया था। और इस दौरान मेरी जो बेटी है वो भी उठ गई थी, वो भी मुझे तंग कर रही थी, वीडियो नहीं बनाने दे रही थी क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है, वो सिर्फ 8 माह की है। यहाँ पर जो बिल है वो मेरा बन गया था 8000 रुपये तक। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें बाई की थी वो टोटल 18 आइटम्स थी। यहाँ पर मैंने डिफरेंट शेप्स के मोल्ड्स बाई किए थे जिसमें हार्ट शेप भी थी और बार्स भी थी, और उसके अलावा ये मैंने काउंटिंग वाले किए थे बाय, कुछ फ्लावर्स वाले किए थे जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस शेप के मोल्ड्स बाई किए थे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मैं एक होम बेकर हूं और मुझे अभी सपोर्ट की, आप सबके बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेक हाउस से रिलेटेड वीडियो दोबारा बनाऊँ तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं दोबारा बेक हाउस जब भी जाऊँगी विज़िट करूँगी तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। जज़ाकअल्लाह।